Hello everyone, this is Ashijan. This is another video on capital gain. Today we are doing another section of exception, that is section 54B. In the last video we have discussed in detail about the exemption which is covered under section 54. And student, if you have understood very well that concept, then you have you will not face any kind of problem to understand further any kind of exemptions. So I suggest before you go or before you watch this video, I suggest to kindly watch my previous video which I covered, that is section 54, thoroughly. So kindly please make notes and please keep practicing whatever you have, any kind of book, please keep practicing. Okay, so now let's start with section 54B. Section 54B mein dekhi kya hai? As a transfer, that means ye 54B exemption kiske liye hai pehle dekhna hai? Individual or HUF, koi bhi ho individual ya HUF. Individual ya HUF agar urban agriculture land सेल करता है, ट्रांसफर करता है और उसके बदले वो नई एग्रीकल्चर लैंड ले, कहाँ पर, कहीं पर भी हो, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो. आई रिपीट, 54B एग्जम्पशन किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल या फिर HUF. और वो किस टाइप की कैपिटल एसेट सेल ऑफ कर रहा है? एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया एंड then he is going to purchase another agricultural land which is situated anywhere, means it may be in urban area or in rural area. But the thing is, condition kya par kya hai, that means use of that agricultural land must be more than 2 years either by SSC or by parents. Theek hai. अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड अर्बन ही क्यों? देखिए, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड क्यों है, दैट मीन्स आपका अब तक बेसिक क्लियर नहीं है. मैंने आपसे वहाँ पर सेक्शन 214 में डिस्कस किया था कि कौन कौन से कैपिटल गेन को जो एग्जम्प्ट कर देगा. तो यहाँ पर इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया दे आर टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट मीन्स वो टैक्सेबल ही नहीं है. तो जो चीज टैक्सेबल ही नहीं है तो उसकी एग्जेम्पशन क्या होगी? नहीं होगी. तो पहले तो क्या बोला, अर्बन एरिया को 214 में उसको टैक्सेबल माना और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट 54B में उसको इसके एग्जेम्पशन दे रही है. कंडीशन ये सब है, ठीक है. कंडीशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, जैसे हमने 54 में पढ़ा था, सेम वही है. देन द न्यू इन्वेस्टमेंट पीरियड मस्ट बी विद इन 2 years after the date of transfer. That means अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो कि अर्बन एरिया में है, ठीक है, और अगर आपको न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है तो आपको कब खरीदनी है? विद इन द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. जो आपने पुरानी एग्रीकल्चर जो इन लैंड है उसको बेचने से उस दिन से लेकर 2 साल काउंट होंगे. 2 साल के अंदर अंदर आपको नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो अर्बन में हो या फिर रूरल में हो. देन ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था. कैपिटल गेन में, यानी कि SSC को कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ड्यू डेट से पहले पहले उसको जो है रिटर्न फाइल करने से पहले इसको अकाउंट स्कीम में इसको ओपन कराना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है. सेम सेल ऑफ न्यू एसेट, यानी कि जो न्यू एसेट खरीदी, यानी कि जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो, अगर उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जितनी भी एग्जेम्पशन ली थी वो सारी सारी बाद में जो है उसको रिवर्सल कर देंगे. कैसे? जैसे कि हमने प्रीवियस 54 में क्या था कि उसको जब सेल ऑफ करेंगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है. वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक बच्ची बता दूँ. देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर लैंड एंड अर्बन लैंड, यानी कि अगर आप न्यू एसेट को बेच देते हो, देखो अगर अर्बन एंड लैंड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपको जो बेनिफिट है, जो अगर आपने अगर किसी SSC ने 3 साल से पहले इसको सेल ऑफ कर दिया तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता है.
बट अगर यही एग्रीकल्चर में अगर रूरल हो तो फिर, क्योंकि आपको पता है वो 241 में है ही नहीं, 241 में है ही नहीं, ट्रांसफर ही माने गया, तो उस केस में वो चीज़ टैक्सेबल ही नहीं है। तो एग्जेम्पशन यहाँ पर जो है, अगर आप 3 साल से पहले बेच भी दिया तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे कोई जितनी एग्जेम्पशन आप ले चुके हो वो ले चुके हो, उसका रिवर्स नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ जब तक टैक्सेबल ही नहीं है तो गवर्नमेंट आपसे एग्जेम्पशन ले, आप रिवर्स नहीं करा सकते गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये था आपका 54B। इस समय मैं आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिकॉज ये सेम वैसे ही था जैसे 54 था, ठीक है? नाउ कम टू अनदर सेक्शन, दैट इज 54EC। इसमें क्या बोला है देखिए, पहले तो देखना है 54EC कौन से SSC के लिए एप्लीकेबल है। ऑल मीन्स ऑल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HEF हो, फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, सब के लिए 54EC एप्लीकेबल है। कौन सी एसेट को वो सेल ऑफ कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग, इट मे बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल, कोई भी हो। देखिए आपको डिफरेंस पता लगेगा 54 54 EC में, बहुत बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, कन्फ्यूज आते हैं कि कब 54 लगाना है और कब 54 EC लगाना है। 54 EC में क्या बोला हुआ है, एसएससी पहले कौन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, फर्म, LLP, कंपनी, इंडिविजुअल, HEF, कोई भी हो। वो कौन सी कैपिटल एसेट सेल ऑफ कर रहा है, लैंड या बिल्डिंग, और लैंड या बिल्डिंग चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। कौन सी एसेट होना चाहिए, किस टाइप की, LTCA, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, जब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ऊपर होगा। अच्छा, अब इसको बेच के उसको नई कैपिटल एसेट क्या खरीदी है यहाँ पर, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। क्या मतलब है उसका, गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है अगर आपको 54 ईयर्स की EC की एग्जम्पशन चाहिए तो आपको सरकार के ही बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, यानी कि सरकार आपको बोल रही है कि आप हमारे में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है? दैट मीन्स जो कि जैसे NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? एंड देन आपका है RECL, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। अगर आप उसको 5 साल, मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसकी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। मैक्सिमम आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, जितना आपने इन्वेस्ट किया या फिर 50 लाख, विच एवर इज लेस। अच्छा, आपको बॉन्ड कब तक खरीदना है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि लैंड या बिल्डिंग उसको बेचने के बाद, तभी 6 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है ये बॉन्ड्स आपको खरीदने हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें आपके लिए कैपिटल गेन वाली इन्वेस्ट जो स्कीम है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट लिखा है, इफ डीम एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 5 ईयर्स। देखो पहले तो आपको बता देना है कि आपको बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट करनी है वो मिनिमम 5 साल के लिए खरीदने हैं। अगर आपने उसको 5 साल से पहले उसको बेच दिया, या फिर आपने उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आपने उसके अगेंस्ट कोई लोन ले लिया, देन जो आपने एग्जेम्पशन ली वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, इसमें रिवर्स होने का तरीका अलग है। इसमें रिवर्स कैसे होगा, इसमें ये होगा कि जितना आपने प्रीवियस ईयर में जितना भी एग्जेम्पशन लिया है वो अलग से आपके SSC के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसका क्या क्या कैसे होगा। पहले एक बार उसका कंसेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं कि 54EC है क्या। मिस्टर एक्स है, इनके पास लैंड है, एक जमीन है जो कि उन्होंने थ्री में परचेस की थी एट ₹20 लाख। उन्होंने परचेज की थी, नाउ ही इज गोइंग टू सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन 16th of March 2019, ठीक है, एट ₹80 लाख।
बेच रहे हैं उनको। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए कितना हो गया, मोर देन 2 इयर्स। दैट मीन्स कौन सा एसेट है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। को किस टाइप की कैपिटल एसेट है, लैंड है, ठीक है। अब चाहिए कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, 50 और EC के लिए अब तक तो ये सारे एलिजिबल क्राइटेरिया जो है एलिजिबल है। एक्स को यहाँ पर इंडिविजुअल है तो ये उनके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 मंथ्स कहाँ से काउंट होंगे, वो यहाँ से काउंट होंगे। दैट मीन्स 15th of September 2020 तक उनको जो है बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, चाहे वो NHAI हो या फिर RECL। उनको जो है बॉन्ड्स परचेज करने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल दो इन दिस केस द कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एंड दिस SSC इज गोइंग टू फाइल अ रिटर्न ऑन 31st of July 2020। तो आपको इस पर्सन को सजेस्ट करना है कि वो अपनी टैक्स सेविंग कैसे करें लीगली, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जो एक्स है उसने प्रॉफिट डिसअलाउ कब करी, 16th of March 2019। उसके बाद 6 महीने का टाइम है कि वो जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के खरीद ले, बट ड्यू डेट फाइल जो है वो कब है, 31st of July 2020। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, मान लो कि वो परचेज नहीं करता। वैसे देखो कोई भी बॉन्ड्स होते हैं आजकल तो 2 या 3 दिन में वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ है, तो हार्डली मैटर कि कितना टाइम लगता है। फिर भी सरकार SSC जो है SSC को 6 महीने का टाइम दे रही है। बट द थिंग इज, मान लीजिए उसके पास कुछ पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, और दोस्त के पास पैसे हैं 80 लाख रुपये, ठीक है, बट वो किसी और में खर्च करना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी उसको वो बॉन्ड्स के ऊपर अभी वो सिर्फ सोच रहा है कि उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट उसके पास एक डेडलाइन है कि वो इससे पहले पहले अगर कर देगा तो उसको वो टैक्स से एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स लॉ आपको इसका एक और बेनिफिट देता है विच इज कॉल्ड बिलेटेड ITR फाइलिंग। सर ये बिलेट भी क्या होता है, जैसे बिलेटेड बर्थडे होता है वैसे भी होता है। बिलेट मतलब क्या होता है, बाद में रिवाइज कर, ठीक है। दैट मीन्स आप बाद में रिवाइज ITR फाइल रिटर्न कर सकते हो, जैसे ही आपने बॉन्ड्स परचेज कर लिए आप नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप जो है ITR फाइल कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि बिलेटेड ITR फाइलिंग की भी लास्ट ड्यू डेट होती है, तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम यू नीड टू फाइल रिटर्न, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एक कहते थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड परचेज करने में हार्डली 1 या 2 दिन लगते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। सो ये बहुत पहले का चलता आ रहा है, जब ये पेपर वर्क था तभी चलता था, बट आज के टाइम में बस ये एक थ्योरेटिकल जो है कंसेप्ट रह गया है। बट देखिए क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बच्चे पूछते भी हैं, सो इसलिए मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया कि फिट फॉर ईसी में क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर ए सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस ऑन 12th of July 2019 फॉर ₹98 लाख, विच वॉज परचेज ऑन 1st of July 2012 फॉर ₹10 लाख। ही इन्वेस्टेड ₹52 लाख इन REC बॉन्ड्स ऑन 12th of November 2019। Compute his capital gain for the previous year 1920. What will be the tax implications if he sells the bonds on 1st of December 2022 for rupees 65 lakh? पर इसका हम एक बार टाइम लाइन मान लेते हैं कि क्या बनने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए, इसने जो हाउस प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंट हाउस, कब परचेज किया था? 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को ये परचेज किया था फॉर ₹10 लाख। एंड देन ही सोल्ड दिस रेजिडेंशियल हाउस ऑन 12th of July 2019। ऑफ ₹98 लाख एंड देन ही इन्वेस्टेड ₹52 लाख इन RSE बॉन्ड्स ऑन 12th of November 2019। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले हमें देखना है एलिजिबल कंडीशन फॉर 54EC। मिस्टर ए है, यानी कि इंडिविजुअल है, ठीक है। कौन सी उन्होंने प्रॉपर्टी सेल्फ कर रहे हैं? वो रेजिडेंशियल हाउस, और ये प्रॉपर्टी थी कि LTCA है, फ्रीड होल्डिंग मोर देन 2 ईयर्स है, ठीक है। एंड देन ही इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, दैट इज NCL। सो सारी कंडीशन अप्लीकेबल फॉर 54EC। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, सेल्स कंसिडरेशन दैट इज ऑफ ₹98 लाख लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदी थी? 10 लाख में खरीदी थी। सब कब सेलअप किया इसको? 2019 में। कब इसको खरीदा था? इन द प्रीवियस ईयर 11-12। सो देखिए 11-12 का क्या है, 11-12 का CII दैट इज 184। ये प्रॉपर्टी थी कि कब खरीदी थी? सॉरी 12-13 होगा, 12-13 बस, 12-13। सो 12-13 का देखिए CII कितना है, 200। विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 14,45,000। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा, ग्रोस LTCG अमाउंट कितना आ गया, 83,55,000। नाउ बॉन्ड उसने परचेज किए, एलिजिबल कंडीशन क्या है कि उसको बॉन्ड्स विद इन 6 मंथ्स को परचेस करना है। तो देखिए उसने 6 मंथ्स, यहाँ देखिए ये उसकी ये पीरियड जो है वो 6 मंथ्स होना चाहिए। तो देखिए विद इन 6 मंथ्स उसने जो है बॉन्ड्स परचेस कर लिए, दैट मीन्स ही इज एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन फॉर सेक्शन 54EC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आप, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। कितनी 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 एग्जम्पशन है देखिए एक बार, जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया या फिर 50 लाख, विच एवर इज लेस। ठीक है, देखिए पहले तो आप जितना ग्रोस LTCG उतना लिख दो, 83,55,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख। एंड
बॉन्ड में देखिए कितना इन्वेस्ट किया था, 52 लाख। ठीक है, नाउ वी विल टेक लोअर ग्रीस। ठीक है, लोअर कितना अमाउंट है, दैट इज 50 लाख। इनके जगह के पास MTCG दैट इज 33,55,000। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 54 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए आगे क्या बोला था, कंप्यूट हिज कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस, इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशंस इफ ही सेल दिस बॉन्ड्स ऑन फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2024 ₹65 लाख। देखिए कंडीशन क्या थी यहाँ पर, कि उसको जो बॉन्ड्स हैं उसको कब तक नहीं बेचने, 5 साल तक। उसने 5 साल पे देखिए पहले पहले बेच दिया, नहीं बेचे तो क्या होगा, जितना भी उसने LTCG जितना भी एग्जम्पशन ली थी वो सारी उसकी रिवर्स जाएगी। पाँच साल तक उसको बेचना नहीं है या फिर उसको कन्वर्ट नहीं करना मनी में। ठीक है, तो देखिए उसने 5 साल से पहले पहले बेची, क्योंकि देखिए उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो देखिए सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, कितने में उसने सेल ऑफ किया, 65 लाख। लेस क्या करेंगे हम, कर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 52 लाख। जितना भी था उसको परचेस करने में देखो कितना, 52 लाख ही लगे थे ना। देखिए खरीदा तो उसने 52 लाख में था, वही वैल्यू लिया मैंने यहाँ पर। देन माइनस करके कितनी वैल्यू है, 13 लाख। नाउ दिस विल बी LTCG प्लस प्लस और भी होगा इसमें, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या होगा, एग्जम्पशन जो इसमें पहले थी वो विड्री हो जाएगी। कितना होगा देखिए, उसने एग्जम्पशन कितनी ली थी, 50 लाख ली थी, तो ये पूरा पूरा अमाउंट जो रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा पूरा जो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट, यानी कि ये अमाउंट जो COA से लेस नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला होगा कि ये अलग से टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स असेसी जो है इस ईयर में वो 2 LTCG पे वो टैक्स देगा, 13 लाख प्लस 50 लाख, और आपको रेट पता ही है, दैट इज 20%। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज द ऑल अबाउट सेक्शन 50EC। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 54F। 54F की एलिजिबल कौन ले सकता है, इंडिविजुअल या फिर HEF। कौन सी एसेट बेच के, एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस एंड डज नॉट ऑन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स SSE जो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो HEF हो, वो कोई भी एसेट बेच सकता है एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस को, प्लस उसके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप की कैपिटल एसेट होनी चाहिए, LTCA दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर वो कोई भी बिजनेस एसेट बेच रहा है जिस पर डेप्रिशन लगता है, अब आपको अच्छे से पता है कि डेप्रिशन एसेट पे जो हमेशा कौन सी कैपिटल एसेट होती है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो वो भी यहाँ पर चलेगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट में बोल रहे ना एनी टाइप ऑफ एसेट, तो कोई भी बेच सकता है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन बिजनेस रिलेटेड हो। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड हो तो वो डेप्रिशन लगेगा, और डेप्रिशन आपको लगता है, आपको हमेशा किसको लगता है,
किस मतलब डेप्रिसिएशन जो है उस पर आपका गेन क्या गेन क्या था है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर उसको बेच के अगर वो रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, तो उसकी जो एग्जेम्पशन अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, प्रोपोर्शनल नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको थोड़ी मैं समझाऊंगा इसकी लिमिट कैसे निकाल देंगे। देन इसमें आपको जो है सेम एज 54 मीन्स कब तक आपको न्यू एसेट परचेज करनी है, रेंजर हाउस है जैसे 54 में लिखा था, दैट इज परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। दैट मीन्स अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को खरीद रहे हो तो ये टाइम लिमिट है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो दैट मीन्स सो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, सेम आपको 54 दैट इज आपको सेम वही कैपिटल गेन स्कीम में आपको डिपॉजिट करना होगा जितना आपको इन्वेस्ट करना है। एंड देन इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर, ये आपका सेम विद इन, ये आपका सेम 54 वाला नहीं है, ये कौन सा वाला जो अभी हमने प्रीवियस वाला किया। दैट मीन्स अगर हाउस प्रॉपर्टी को या फिर रेजिडेंशियल हाउस को अगर आपने 3 साल से पहले पहले बेच दिया, सो जितना आपने पहले एग्जेम्पशन ली थी वो पूरा पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, COA में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन करते हैं हम। यस, रीड क्वेश्चन नंबर 18। ए सोल्ड ऑन मीन्स मिस्टर ए सोल्ड ऑन 31st October 2019 एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड विच हैज़ बीन यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस फॉर सेवरल ईयर्स फॉर ₹75,70,000। ही एक्वायर्ड दैट लैंड इन 1999 फॉर ₹3 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड ऑन 1st of April 2001 वॉज ₹5 लाख। He purchased residential house for ₹50 lakh on 25th of May 2020. Sorry, it will be 25th of May 2019. And then he owned only one house property before this date. The new house property was sold on. इसको correction कर लेते हैं, यहाँ पर 19 आएगा। The new house property was sold on 31st of August 2020. इसको भी हम 19 कर लेते हैं। चलिए ठीक है 20। ठीक है, इसका देखिए टाइम हम बनाए थे। पर देखिए एग्रीकल्चर लैंड है, फर्स्ट कब परचेज की थी, ऑन 1999 3 लाख। बट आपको यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू भी बनाए 1st of April 2001 की, हाउ मच 5 लाख। सो वी विल टेक हाई ऑफ दिस दैट इज 5 लाख। एंड देन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया में है, क्योंकि अगर रूरल एरिया तो फिर तो हम कुछ करते ही नहीं, वो पूरा पूरा एग्जाम होता है। एंड देन ही सोल्ड दिस एग्रीकल्चर लैंड ऑन 31st of October 2019। प्लीज 75,50,000 ऑन 31st of October 2019 सोल्ड कर दिया जी। यहाँ पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है,
एंड देन ही परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ रुपीज 50 लाख ऑन 25th of May 2019. सॉरी यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स चेंज दिस डेट. वी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 25th of March 2020 एंड देन ही सोल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस डेट. ओके March 25th 2020 को एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है. परचेज रेजिडेंशियल हाउस ₹50 लाख, ठीक है. एंड देन लास्ट ही सोल्ड दिस रेजिडेंशियल हाउस ऑन 30th अगस्त 2020. तो देखिए पहले तो आपके रखोगे टाइमिंग लोगे, दैट मीन स्पीड ऑफ होल्डिंग रखोगे, ठीक है. देखिए स्पीड ऑफ होल्डिंग क्या हुआ, मोर देन 2 ईयर्स. सो यहाँ पर क्या है आपका एल टी सी ए हो गया. कौन बेचर है इसको, मिस्टर ए इंडिविजुअल है. क्या बेचर है वो, एग्रीकल्चर लैंड. क्या खरीद रहे हैं वो, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है. दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी के बदले वो क्या खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस. दैट मीन्स अब यहाँ पर आपका सेक्शन 54 ट्रिगर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है. सो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका. सेल्स कंसिडरेशन हाउ मच, 75 लाख 50,000. Then less index section on cost of acquisition, कितने लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज ₹5 लाख. कब बेची प्रॉपर्टी, 2019 में. एंड फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 2020, दैट इज यहाँ पर है CI 100. जो समझ रही कम्स टू 14,35,000. आपको ये आ गया ग्रोस LTCG 61,05,000. लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F. देखिए कैसे निकलता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कैसे निकलते हैं यहाँ पर. मगर देखिए क्या लिखा था, प्रोपोर्शनेट नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टेड. तो देखिए कैसे निकालना है इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखना क्वेश्चन आप हमेशा, जो मैं लिख रहा हूँ. ग्रोस LTCG जितना आया आपका, दैट इज 61,05,000 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड. कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया रखा थे आप, परचेज के रेजिडेंशियल हाउस कितने खरीदे था 50 लाख में. And then divided by sales consideration, that is 75,50,000. ठीक है,
अच्छा इस पॉइंट पे एक बार ध्यान से देना, ये इस पॉइंट पे ये आपका नेट अमाउंट होना चाहिए। नेट अमाउंट इन द सेंस यहाँ पर आपको सेल्स कंसीडरेशन जो है वो दिया हुआ है विदाउट डिडक्टिंग ब्रोकरेज अमाउंट। अगर ब्रोकरेज अमाउंट गिवन है तो आपको यहाँ पर नेट अमाउंट लेना है, दैट इज सेल्स कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 40,43,046। नाउ दिस विल बी योर कैपिटल गेन 20,61,954। बस आपको यहाँ पर इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर एग्जम्पशन आपको 54F की कैसे मिलती है। अब तक हमने पढ़ा था मैक्सिमम, हमने पढ़ा था 50 लाख पढ़ा था, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड। ठीक है, बट 54 सबसे हटके है, थोड़ा अलग है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। पहली कंडीशन के यहाँ पर कि कोई भी एसेट बेच के अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, तो इसमें आपका 54F सेक्शन आपको अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अगर उसको नई प्रॉपर्टी को अगर 3 साल से पहले पहले बेच दिया, ठीक है, तो उसका रिवर्स कैसे होगा वो भी अभी हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा हुआ था द न्यू हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 30 अक्टूबर 2024 रुपीज 60 लाख। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, ये तो था आपका फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब हम निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-21-22। सेल्स कंसीडरेशन यानी कि जो उसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी वो उसने बेच दी कितने में, 60 लाख। ठीक है, और उसमें देखिए विद इन 2 ईयर्स तो क्या लगेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ COA। ठीक है, कितने में खरीदी थी उसने वो प्रॉपर्टी, 50 लाख में। ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दैट इज ₹10 लाख। और यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जम्पशन विड्रॉ कितना होगा, आपने कौन सा पार्ट आपने एग्जम्पशन कराया था, जैसे LTCG, तो यहाँ पर LTCG ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने LTCG एग्जाम कराया था, आपने पहले LTCG एग्जाम कराया था ना, कितना अमाउंट आएगा देखिए, कितना अमाउंट दिया था आपने 40,43,046। अब दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो देखिए इस पर कितना रेट अप्लीकेबल होगा, 20%, एंड ये आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आएगा। आपको याद होगा हमने पढ़ा था वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल लायबिलिटी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे कैलकुलेट करते हैं SCC and LTCG। यहाँ पर सॉरी LTCG है। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एग्जम्पशन दैट इज, देखिए 54F। आप नोट में सेकंड पार्ट पढ़ दीजिए, लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ एक्वायरिंग द न्यू एसेट रेफर्ड इन अबव सेक्शंस शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट एंड नॉट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द एसेट वॉज ओरिजिनली ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। देखिए आपको कंपल्सरी एक्विजिशन आपको याद आएगा सेक्शन 45(5) मीन्स अगर गवर्नमेंट SSC की कोई ज़मीन अगर एक्वायर कर लेती है, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें एक्वायर कर लिया,
तो उसके सामने पड़ा था कि जब कंपेंसेशन जिस साल मिलता है उसी अमाउंट उसी साल जो है वो टैक्सेबल का है, यानी जब गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर लिया तब नहीं, ट्रांसफ़र तो पहले कर देती है लेकिन उसका कंपेंसेशन बहुत बाद में मिलता है, ठीक है, ड्यू टू सम पेपर वर्क एंड ऑल बहुत टाइम लगता है। तो उस केस में देखिए जब कंपेंसेशन बाद में मिलता है तो जिस ईयर कंपेंसेशन मिला उसी ईयर से वो टैक्स देना शुरू करता है। तो यहाँ पर 54H में, 54H बेसिकली क्या है, ये आपका अलग से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये एक्चुअली एक अलग से एक्सप्लेनेशन दी हुई है 54H में, कि जो भी हमने ऊपर सेक्शन पढ़े 54, 54B, 54AC, 54F, अगर इस ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है इन ऑल अबव केसेस, देन जो हम ट्रांसफ़र डेट लेते थे वो ट्रांसफ़र डेट से नहीं होगा, हम देखेंगे कि कब गवर्नमेंट ने इसका कंपलसरी कर गया तो उसका कंपनसेशन कर दिया, उस डेट से हम ट्रांसफ़र काउंट करेंगे, ठीक है। तो बस ये आपका एडिशन था इन 54H, बाकी सब सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब आपका सब कुछ सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। सो स्टूडेंट ये था आपका सही कैपिटल गेन एजम्पशन। अच्छा स्टूडेंट एक बार और, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पांच ही हमने एक सेक्शन पढ़ना है, नेट 54, 54B, 54EC, 54F एंड 54H। ऑल्दो वी हैव मोर देयर एंड नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस, देखिए अभी मैंने आपको नाम देखिए आप अगर देखिए देखिए 54B है, EC है, F भी था, G भी है, G में बहुत सारे हैं, फिर F पढ़ा है मैं, फिर H भी है, H में बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्लस स्टूडेंट वन मोर थिंग, एग्जेम्पशन में जितना पार्ट मैंने आपको कराया है ये मैंने आपको बहुत सिंपल पार्ट कराया है, यानी कि इससे हायर लेवल आपको नहीं करना है, दैट मीन्स अगर इससे हायर लेवल आपको किसी बुक में मिलता भी है तो आपको उसको टच भी नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा हैवी नहीं आएगा, ठीक है। सो क्लास वी हैव फिनिश दिस एग्जेम्पशन दैट इज 54 सेक्शन, नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली वन सेक्शन दैट इज 55, दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।